रनिंग बॉय प्रदीप को आज हर कोई व्यक्ति बखूबी पहचानने लगा है। दौड़ने वाली उस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई उसकी मेहनत और निष्ठा से काफी प्रेरित हुआ है। जिस प्रदीप को कुछ दिनों पहले तक कोई पहचानता तक नहीं था, आज उसी प्रदीप की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। पहले तो प्रदीप को भारतीय सेना में भर्ती करवाने के लिए उपयुक्त मदद दिए जाने का ऐलान हुआ, साथ ही पंजाब की सैन्य अकेडमी में उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करने का ऑफर भी दिया गया। साथ ही प्रदीप की मां के इलाज के लिए यूपी के एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की धनराशि दी और अब एक रिटेल कंपनी ने प्रदीप के कमरे में जाकर उसे 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि प्रदीप उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जहां उसका एक घर है जिसकी हालत आपदा के चलते काफ़ी खस्ता है। प्रदीप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने उस मकान को ठीक कर सके। प्रदीप और उसका भाई मिलकर जितना भी कमाते वो सब अपनी माँ के इलाज में लगा देते हैं। लेकिन अब प्रदीप को लाखों की मदद मिलनी शुरू हो गई है, जिसके बाद वो अपनी माँ का इलाज भी अच्छे से कर सकता है, साथ ही गांव में अपने घर की भी मरम्मत करा सकता है। और उसको ये जो भी मदद मिल रही है उसका इकलौता कारण है फिल्म निर्माता विनोद कापड़े, जिन्होंने उनकी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम किया और सभी को प्रदीप की लगन और मेहनत से रूबरू करवाया।